है विंडो एसी, कोई बोलते कंप्रेसर खराब है, कोई बोलते कैपेसिटर खराब है। अभी हम चेक कर रहे हैं फाइनल किस में खराबी किस में है, कंप्रेसर में खराब है या पीसीबी में खराब है। फिर हमने ये बल्ब होल्डर लिया है, इस तरह से हमने बल्ब होल्डर मेन्स कोड का कॉमन वायर में कनेक्ट किया है, और दूसरा हमने कंप्रेसर का जो रिले लगता है उसमें हमने कनेक्ट किया है। अभी हम चालू करने जा रहे हैं, अभी कंफर्म हो जाएगा प्रॉब्लम किस में है। चालू किया हमने, फैन मोटर चालू हो चुका है। जब ये लाइट जलेगा इसका मतलब तभी कंप्रेसर चालू हो जाएगा। हमने रिले के साथ बल्ब होल्डर का लाइन को कनेक्ट किया है और कैपेसिटर मेन्स कोड का जो कॉमन है उसके साथ हमने कनेक्ट किया है इसको। हम कंफर्म करेंगे 100% प्रॉब्लम किस में है, क्योंकि 5 मिनट चलता है कंप्रेसर, इसके बाद बंद हो जाता है। अगर कंप्रेसर का प्रॉब्लम है तो लाइट बंद नहीं रहेगा चालू होने के बाद, अगर पीसीबी का प्रॉब्लम है तो लाइट बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब पीसीबी खराब है। लाइट चालू हो गया, कंप्रेसर चालू हो गया, हम चेक करते कितने मिनट तक चलता है लाइट। अगर लाइट चला और कंप्रेसर बंद हो गया इसका मतलब कंप्रेसर खराब है, अगर लाइट बंद हो गया इसका मतलब पीसीबी खराब है। हर एक मैकेनिक अलग अलग बोल रहा है, अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं फाइनली। Okay. Sorry for the
बंद हो गया लाइट, इसका मतलब सर्किट का प्रॉब्लम है, सर्किट रिपेयरिंग के लिए देना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसका कंप्रेसर ओके है, प्रॉब्लम पीसीपी में है, पीसीपी का प्रॉब्लम है ना। ये है इसका सर्किट बोर्ड, ये डिस्प्ले पीसीपी, इसको भी हम देने जा रहे हैं रिपेयरिंग करने के लिए। रिपेयरिंग करने के बाद हम इसको फिर से लगा के हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी 5 मिनट चलता है इसके बाद बंद हो जाता है। तो प्रॉब्लम 100% पीसीपी का है, तो आपने देखा समझा।